आ चुका हूँ वर्ल्ड मेमोरियल नेशनल मेमोरियल पे, और आपको पूरी तरह से दिखाऊंगा वीडियो और किस तरह से बना है, किस पत्थर से बना है और यहाँ पे कितने जवानों का नाम लिखा हुआ है। तो अब तमाम चीज़ें आपको दिखाऊंगा, तो आप चलो देखते रहना वीडियो पूरा, तो इन्जॉय करो यार वीडियो देखते रहो। रक्षा चक्र, ये घने पैरों से बना हुआ है और ये इसमें चार लियार है, आपको पहले बताया था चार लियार है इसमें। फर्स्ट लियार है रक्षा चक्र, तो अब ये रक्षा चक्र देख रहे हैं किस तरह से बना है, आपको दिखाऊंगा पूरी तरह से पैरों से, पेड़ पौधा से ढका हुआ यह एक लियार बना हुआ है, तो आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखते रहना। यहाँ पे 25,942 लोगों का नाम शामिल है जो 1965, 1961, 1971, 1999 और इवन 2017 में भी जो शहीद हुए हैं उनके नाम यहाँ पे लगाया गया है। तो बहुत ही बड़ी बात है भारत के लिए, ये हमारे भारत की जो शहीद हुए जवानों के लिए सच्चा दिल से श्रद्धांजलि है, और ये गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए था, लेकिन जो भी किया है सही किया है। हम लोगों को पता चल जाएगा अभी कौन कौन शहीद हुए, कब कब किन सालों में शहीद हुए, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको यहाँ पे आने के बाद मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, एक शांति का फील हो रहा है। तो आप आ सकते हो, ये त्याग चक्र है, आपको दिखाना चाहूँगा त्याग चक्र पूरा घूम के। ये वीरता चक्र है, ये आपको दिखाऊंगा, ये कासिम की बातों से आर्टिफिशियल, मतलब जो हमारा जो जमाने ने जो वीरता के साथ लड़ाई किया और जीत हासिल किया इसका ही कुछ यादगार बना हुआ है, तो आपको दिखाऊंगा पूरी तरह से। ज्योति जलाया जाता है हमेशा 300 पूरे साल जलता रहेगा, और सामने जो सिपाही खड़ा है ये बुरखा रेजिमेंट का सिपाही है, देख सकते हो वो ध्यान लगाया हुआ है पूरी सेना पर, और ये इस तरह से पूरे पूरा साल चलता रहेगा, तो आप देख सकते हो। मूर्ति लगा हुआ है जिसमें परमवीर चक्र मिला है उन लोगों को, इनका मूर्ति लगा हुआ है, तो आपको दिखाऊंगा असली हीरो इंडिया की, जो असली हीरो जिन्होंने अपने जान कुर्बान करके देश के लिए लड़ा और जीत हासिल किया, तो उनकी मूर्ति दिखाऊंगा आपको, उनसे मिलाऊंगा आपको, तो आप चलो और ये देखते क्यों आगे के कुछ नज़ारा। मैं पार्क में पहुँच चुका हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा
यहाँ पे 21 मूर्ति लगाया गया है जो इंडियन जो जाबाज है जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, उनकी जो परम वीरता और उनकी जो देश की प्यार देश की अपने को कुर्बानी की भावना से उन्होंने शहीद हो गए देश के लिए, तो उनको मैं दिखाऊंगा। लांस नायक करम सिंह इन्होंने 1948 में शहीद हुए हैं परमवीर चक्र। हवलदार मेजर वीरू सिंह इन्होंने 1948 परमवीर चक्र उनको मिला है। राम राघवा रानो इनको भी परमवीर चक्र मिला है 1948 में शहीद हुए हैं 8 अप्रैल को। चक्र नायक जोदुनाथ सिंह 1948 परमवीर चक्र मिला है। सोमनाथ शर्मा 1947 परमवीर चक्र 3 नवंबर याद रखना। सुबेदार जोगिंद्र सिंह परमवीर चक्र 1962 23 अक्टूबर शहीद हुए हैं। परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह 1962 18 नवंबर। वीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल ए बी तारापुर 1965 11 नवंबर शहीद हुए। अब्दुल हामिद का नाम सुना होगा, इन्होंने परमवीर चक्र उनको मिला है और 1965 इन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपना प्राण गंवाया था। नायक अल्बर्ट एक्का 1971 भारत पाक युद्ध में अपने प्राण गंवाया है, उनको परमवीर चक्र मिला है। लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल 1971 16 दिसंबर में उनको उन्होंने अपना शहीद हुए और उनको परमवीर चक्र मुरैना प्रांत मिला है। उनका नाम काफ़ी सुना होगा आपने, मेजर होशियार सिंह 1971 15 दिसंबर परमवीर चक्र उनको मिला है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह लेखो 1971 14 दिसंबर को उन्होंने वीर गति को प्राप्ति हुए और उनको परमवीर चक्र मरणोपरांत मिला है। परमेश्वरम श्रीलंका की लड़ाई में उन्होंने युद्ध किया था 1987 25 दिसंबर इनको परमवीर चक्र मिला है। मेजर नायक सुबेदार वना सिंह परमवीर चक्र 26 जून 1987 जम्मू कश्मीर। मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र मरणोपरांत उनको 1999 में कारगिल में शहीद हुए थे। राइफलमैन संजय कुमार उन्होंने उनको परमवीर चक्र मिला है। योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र 1999 कारगिल युद्ध में उन्होंने अपना काफ़ी सुना होगा। कैप्टन विक्रम बत्रा इन्होंने परमवीर चक्र उनको मिला है मरणोपरांत और इन्होंने 1999 7 जुलाई उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए। याद रखना हूँ और आप वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा मेहनत आपके हाथ में एक लाइक के ऊपर, कोई पैसा वैसा नहीं लगता भाई, लाइक कर दो यार। और ये मैंने जितना हो सके मैंने कोशिश किया आपके लिए बनाने की, तो आप लाइक कर दो प्लीज़। यहाँ पे एंड करता हूँ।